क्या है ये? ये है क्या? ये नीचे से आशीर्वाद में दिया है स्वामी। गुजरात है भाई। धोखे से तो नहीं उठा लाए स्वामी? नहीं, एक हाथ के लिए ही है ना, जिन छोटे बच्चे का है स्वामी। शादी तो भाई नहीं है, तुम कहना क्या चाह रहे हैं? छोटे बच्चे के लिए किसके लिए? इधर कुछ नहीं हुआ अभी, तुम समझते क्या हो भाई? दिमाग तो ठिकाने है स्वामी, कुछ नहीं था तो उठा, यही उठा लिया स्वामी। मैं तो बिना पैसे से भरूच से आया। डायपर मत ले आना। नहीं स्वामी। पागल पगला, फिर भी स्वीकार है, ले लो भगवान, भविष्य में काम आएगा। गुजरात के लोग हैं, भविष्य वक्ता होते हैं, उनको अब से ही टेंशन हो गई कि गुरुजी और गुरुजी के छोटे गुरुजी। सन्यासी वाले बाबा, ऐसा क्या इसी भाव से ले आए क्या? जी स्वामी। जी कह रहा, मतलब शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बड़ा है जी स्वामी। ठीक, ये हमारा है जी स्वामी। राजकोट रहते क्या? जी नहीं, भरूच। भरूच रहते हो? हाँ। ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। राम सीताराम। पूरा मत मानना, हमारा स्वभाव हंसने और हंसाने का है। बिल्कुल, हम बहुत मनमौजी हैं। हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। यही नियम आपको पूछो क्या बात है जी स्वामी। मुझे डिप्लोमा में अभी पढ़ रहा हूँ तो उसमें पास होना है। काय का डिप्लोमा कर? केमिकल इंजीनियर का हूँ। इंजीनियर डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियर का परीक्षा करके फिर मेरे को एक घर खरीदना है मम्मी पापा के लिए जाके। बट अभी भरूच कहाँ पड़ता है? भरूच इधर सूरत और बड़ौदा के बीच में। ठीक, मन शांत है, परीक्षा में पास होना है। मकान की अर्जी लेकर आए, जो पूर्ण होगी इंजीनियर बनेंगे 2026 तक। आशीर्वाद। बिल्कुल स्वामी, बिल्कुल स्वामी, पक्का है। सन्यासी बाबा की जय हो। श्री सीताराम भगवान, सीताराम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मकान आपका 2 साल के बाद योग है और माता पिता का नाम रोशन करोगे आप, बिल्कुल चिंता ना करें, धाम की पेशी करें, आज से ही करुणा होगी। अध्यक्ष जी, तुमने देखा कभी ऐसा दरबार, ऐसे लोग देखे? नहीं, सन्यासी मत बनो, गृहस्थ में जाओ। नहीं करनी है शादी, मतलब ऐसा बात कर लें पहले। करनी है तो मैं, लड़की ने धोखा दिया है जी स्वामी। बिल्कुल, 7 साल का संबंध था, धोखा दे दिया। लवेरिया हुआ था बहुत लंबा जी स्वामी, दिल टूट गया है। इसी कारण से तुमने संकल्प लिया कि अब मैं ऐसे ही रहूंगा ताकि कभी किसी मोड़ पर मिलूं उसे तो जला सकूं जी। जला, लुगाई के साथ जलाओ जी। करनी है शादी माँ बाप के लिए जी। आज्ञा है, खुश रहो। अगला नंबर, पेंटिंग वाले, पता नहीं क्या लिखा है लेकिन इस घटना के बारे में लिखा रखा है कि ये घटना घटेगी। नाम क्या है आपका? वीणा। वीणा, वीणा,
वीणा जो बजती नहीं है बजाती है। आज हुआ क्या है वीणा को? आज बजी है कि बज गई? बज गई है, सच्ची में बज गई है। आई स्वेर, भगवान की सौगंध, हनुमान जी की सौगंध, मैं इतने दिनों से बोल रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला तू जा, हम नहीं आएंगे। बाद में एक फ्रेंड मिली, कल रात से तबीयत खराब थी, इंजेक्शन भी लिए, हाथ में दाग भी है मेरे इंजेक्शन का। आज अचानक 3 बजे मुहूर्त लगा और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चल जाते, और अर्जी लग गई। आज एक उपद्री दरबार में आएगी जो कलेश करेगी व परीक्षण लेगी, आपको प्लांटेड कहेगी, बिना नाम होगा, वह सुधर जाएगी। मतलब आप सोच लो कि हम कितना भविष्य पहले से लेकर चलते। सही। प्रचार कितने लिखे थे हमने? 3, 9, 4। आपके सामने कितने पर्चा लिखे? 2। ये तीसरा अलग है। कोई नहीं, बाकी बोलना तो हमें बहुत कुछ था। नहीं नहीं। सर वो नवचंडी का मैं मेरे ससुराल मायके दोनों में कराऊं, दोनों जगह मतलब तकलीफ है। माइक नीचे रख दो। अब आपको हम पर और भरोसा हो जाएगा। दोनों जगह धाम भी आओ, अब वहां सेवा करो, नहीं तो बिना बचती रहो। हाँ, इतना विरोध करेंगे हम, इतनी खिंचाई करेंगे, अब तो नो डाउट ना। खुश रहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी। लेकिन आज तक कभी लोगों को मुसलमानों पर अंदेशा नहीं हुआ। जितनी भारत में हमने परीक्षा दी है, शायद भारत में किसी दरबार ने इतनी परीक्षा दी हो, दी कभी किसी ने? इतनी परीक्षा किसी दरबार की हुई? लेकिन सांच को आंच क्या, ललकारता भी तो वही है जिसके पास कुछ होता है। शेर ही दहाड़ लगाते हैं, सियार तो केवल उमियाते हैं। सीताराम। खैर, अपन को किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, वरना उसकी फिर समाज में रिश्तेदार फोन लगा के उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि तुम ऐसे ही निकले, हम तो तुम्हें बड़ा सज्जन समझते थे, गुरुजी ने अपोल खोल दी।